हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर आप LNMU पार्ट टू का स्टूडेंट हो, हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हो और 2020 में अगर आप अपना एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसा कि आप थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि 2020 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों LNMU में ये होता है कि हर दो साल के बाद पूरे का पूरे क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। ये होता भी है, जैसे मान लीजिए अगर आप 2020 में एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे 2018 का 99% क्वेश्चन वहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके हिस्ट्री पेपर में कैसा आता है, पहला क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव होता है और उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ चेंज रहेगा, बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा वो 2018 का ही होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बार बार कह भी रहा हूँ कि आप मेन फोकस 2018 के क्वेश्चन पेपर पे करो और 2018 का क्वेश्चन पेपर आप लाओगे कहाँ से, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2018 में पूछे गए LNMU पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना और जाना और दोनों वीडियो को देख लेना जो कि 2018 में पूछा गया है, और उसी क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करना। जी हाँ, बहुत होगा तो ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन बाहर का हो, वहाँ से ना आए, बाद बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी होगा वहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ। इसलिए आप इसको कंसीडर करो और उसी को प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच।